नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल संचालक ने अपने ही कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। कर्मचारी द्वारा 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। दरअसल इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में हॉस्टल संचालित करने वाले संचालक ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका कर्मचारी जो लंबे समय से काम कर रहा था उसके द्वारा हॉस्टल के पैसों में धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी नौकर के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है, जिसमें 12 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। सर, लसूड़िया थाना क्षेत्र में सर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, सर क्या है पूरा मामला? ये कल एक प्रकरण पंजीकृत हुआ है जिसमें एक हॉस्टल संचालक ने अपने कर्मचारी के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत कराया है, जिसमें आरोप है कि जो हॉस्टल का मैनेजर था उसने हॉस्टल की जो राशि है उसको अवैध तरीके से गायब किया है, जिसमें अमानत का खयानत का केस दर्ज किया है। सर लगभग कितने की धोखाधड़ी की गई है? सर लगभग 12 लाख रुपए का गबन किया है, ऐसा करके हमने शिकायत की। सर आरोपी का नाम कुछ ये पता चला? फरियादी कहाँ का रहने वाला था? और अभी आरोपी बाहर का है जिसकी अभी तलाश के लिए पार्टी भेजी गई। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।